विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कौन बनेगा मेयर शो आज आ पहुंचा है वार्ड नंबर 23 में। वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद है संपत सांकला, जो भाजपा के बोर्ड के अंदर डिप्टी मेयर भी हैं। डिप्टी मेयर होने के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं। अजमेर के 60 वार्डों को एक तरीके से मेयर के साथ देखना होता है, लेकिन उनके खुद के वार्ड की स्थिति क्या है उसको जानने के लिए कौन बनेगा मेयर शो MTTV इंडिया आज आ पहुंचा है उन्हीं के वार्ड में। दो दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश है। पहले दिन राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन का पर्चा वो भरवा रहे थे, जयपुर थे, लेकिन आज उन्होंने जो समय दिया लेकिन उसके बावजूद वो आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर संपत सांकला के वार्ड के अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ आज भी बनी हुई है। 4.5 साल पहले जो परेशानियाँ थीं क्या उसके ऊपर संपत सांकला कोई काम कर पाए या नहीं कर पाए। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा चंपा देवी। अच्छा एक बात बताइए, आपके वार्ड पार्षद संपत सांकला है? संपत सांकला ये है। 4.5 साल पहले कुछ समस्याएं आपके वार्ड में होंगी, आज स्थिति कैसी है? उस वक्त वैसी थी या आज क्या है, कुछ सुधार हुआ वार्ड के अंदर? नहीं, सुधार तो हुआ है। सुधार हुआ वार्ड? हाँ, सुधार तो वो शिला ने करवा लगवा दी, उन्होंने सड़कें बनवा दी, नालियाँ नहीं बनाई अभी तक। अच्छा, नाली एक समस्या है? नालियाँ नहीं बनवाई है, और न सुपर आता इधर सफाई करने के लिए। अच्छा। और खाली प्लॉट है वहाँ पे कचरा डाल देते हैं, और किसी आस पड़ोस वालों को कहते हैं तो कि भाई खाली प्लॉट है तो कचरा तो डालेंगे, ताकि गाड़ी आती है हमारे यहाँ कचरे की। अच्छा। ये नहीं, वो भी है, सुविधा तो कर रखी है ऐसी, पर सुपर नहीं आता। 6 महीने बीत जाते हैं, महीनों ही बीत जाते हैं, सुपर नहीं आता है, सफाई कर्मचारी नहीं आता है। बाबूजी और हैं? बाबूजी वार्ड के? बस ये कह दिया। अच्छा, माता जी कह दी है। चलिए एक दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नौजवान साथी हैं। अच्छा, वार्ड में देख रेख करते होंगे, देखते तो होंगे वार्ड में क्या हो रहा है। बाबूजी हम तो यही चाहते हैं, ये नाली है। हाँ। इसमें क्या है, कभी भी बारिश के टाइम में अगर ये गिर गया, कुछ भी हो गया तो हादसा होगा। हम तो यही चाहते हैं पार्षद को यही कि ये नाली सही करवाए। अच्छा। और यहाँ साफ सफाई के लिए भी बहुत टाइम से आते नहीं है, फोन लगा लगा के बोलना पड़ता है, जब जाके आते हैं। अच्छा, और कुछ समस्या? CCTV कैमरे हैं वार्ड में? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। होने चाहिए, होने चाहिए। अभी यहाँ पिकअप चोरी हुई थी थोड़े दिन पहले, मतलब 1 महीना हो गया है यहाँ से, घर की हमारी खुद की पिकअप चोरी हो गई है यहाँ से। अच्छा। सामने से ही उठा के ले गए रात में। अच्छा, और अभी तक पता नहीं पड़ा उसका भी। अच्छा, पार्षद साहब आते हैं वार्ड में या नहीं आते? कुछ भी नहीं आते यहाँ तो। कब आए थे आखिरी बार? कोई भी नहीं आया यहाँ तो, आज तक गिरी देखा हमने तो कोई पार्षद का। अच्छा अच्छा, चलिए पार्षद साहब आए नहीं ऐसा कहना है। एक माता जी और है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477733। माता जी क्या नाम है? एम देवी। आपके वार्ड में हालात कैसे हैं? बढ़िया हैं या कुछ बदला है? वो तो दिख ही रहा आपसे, बढ़िया है कि नहीं है बढ़िया, वो तो आप फोटो ले रहे हैं जो दिख ही रही है। हाँ। इतने रोड पे भी जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। हाँ। अब कोई आकर भी तो नहीं देखे ना? आती नहीं है क्या पार्षद साहब? कोई नहीं आते, कोई पूछा नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं। वोट मांगने तो आ जाते, जब तो हाथ जोड़ते पैर पकड़ते, बस वोट मिल जाता है वो उसका काम खत्म हो जाता। अच्छा, समस्या क्या है आपके वार्ड में? सफाई की, नाली की, सड़क की, क्या है? सफाई की है, नाली की, सड़क की, यहाँ तक हरिजन नहीं आते हमारे झाड़ू लगाने। सफाई कर्मचारी नहीं आते? नहीं आते, उधर उधर करके चल जाते। नाली भी कितने वक्त तो बच्चा आता है जो नहीं करता। इनको सबको कहते हैं तो भी वो कहते हैं कि ये हम ना, जब तक हम आगे कंप्लेंट हम बोलते हैं ना जमींदार को कंप्लेंट करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप भले किसी को करते हो हम नहीं करेंगे यहाँ नाली सफाई। अच्छा, उल्टा हमारे को दादागिरी दिखाते हैं वो तो। पीछे देखो नाली भरी देखो। चलिए वार्ड के अंदर जो वार्डवासी हैं वो कह रहे हैं कि जो नाली है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नाली बरसों से इस तरीके से यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है, जिसका काम यहाँ पर नहीं हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो समय पर इस गली तक नहीं आते हैं, काम किसी प्रकार का नहीं करते हैं। तस्वीर ये देखिए आप, खाली प्लॉटों पर लोग कचरा भी डाल देते हैं, उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी।
और गिर जाते हैं लोग, गिर जाते हैं इस नाली में, गिर जाते हैं। अगर यहाँ तक गिरे तो बच जाता है, उधर जाएगा तो वो तो करंट में मरेगा ही मरेगा। तो वार्डवासी हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात वार्ड के अंदर बने हुए हैं, और उन वार्डों पर काम करने के लिए जिस वार्ड पार्षद को जिम्मेदारी इन्होंने 4.5 साल पहले दी थी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और वार्डवासियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड 23 के हालात कैसे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. तो वार्ड 23 में इस वक्त हम मौजूद हैं। डिप्टी मेयर का ये वार्ड है। एक तस्वीर जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिस पर लिखा है केवल शहीद। इस शहीद को देखने के बाद सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी मेयर हैं, पार्षद हैं संपत सांकला, लेकिन बोर्ड की दुर्दशा आपको दिखा रही होगी। आपको नाम पूरा बताता हूँ, ये पूरा नाम था शहीद भगत सिंह मार्ग, लेकिन अब केवल रह गया है शहीद। कब से ये तस्वीर है और क्या वार्ड में समस्या है, जान लेते हैं। सागर मीणा है हमारे साथ। सागर, क्या है ये? ये एक शहीद भगत सिंह मार्ग है, जो खुद एक डिप्टी मेयर है नगर निगम, उनका वार्ड है। आप देखेंगे, नाम केवल रख देने से शहीद भगत सिंह मार्ग नहीं होता। जब इतने देश के शहीदों के नाम से अगर मार्ग रखा है, तो उसके हिसाब से इसके रख रखाव भी होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। इसके विरोध में हमने ये मुख्य मार्ग भी बंद किया था और ये अवगत कराया था प्रशासन को, गोपाल चिन्मे को, और यहाँ के इंस्पेक्टर को ये अवगत कराया था कि केवल शहीद नाम रखने से नाम आता शहीदों को क्या अपमान कर रहे हो, और भी कोई नाम रख देते। आपने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए शहीद भगत सिंह का बड़ा बोर्ड लगा दिया, जिसके काफ़ी महीनों से इसकी लिखित में मैंने कई बार लेटर पैड पर शिकायत दे चुकी है, उसके बाद भी कोई हाल नहीं। आप खुद यहाँ से आए होंगे, रस्ते का आलम दिखा होगा, गंदगी का आलम। सामने रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंटों पे जो भी गंदगी है वो जोड़ के दोनों तरफ डाल देती है। दिखावे के नाम पर नाम आते दोनों तरफ पेड़ लगाए गए थे, जिन पेड़ों पर आज तक किसी तरह का कोई पानी का काम नहीं है, ना कोई रख रखाव का जिम्मा इन लोगों ने रख रखा है। केवल एक नाम मात्र के पेड़ लगा दिए हैं, वहाँ बसें अवैध पार्किंग के रूप में जो सिटी बसें हैं, रोडवेज बसें हैं, वो खड़ी होती हैं, और रेस्टोरेंट वाले जो भी गंदगी नॉनवेज की बस्ती है वो सारी फेंक देते हैं। नगर निगम का सारा कचरा वहाँ डाल दिया जाता है, और नगर निगम का आलम यह है कि जो मुख्य मार्ग जिसके करोड़ों रुपए की लागत से ये बना था, वो केवल नाम मात्र एक रिकॉर्ड में रह गया है। इस रास्ते से लोग आना जाना भी दुश्वार है लोगों का। इसको लेके हमने पूर्व में भी अधिकारियों को अवगत कराया था, गोपाल चिन्मे को बोला था, और इस रास्ते को जाम करके यहाँ के सब लोगों के रूप सामूहिक रूप में लेके जब प्रशासन ने हमें अवगत कराया था कि हम इस रास्ते को जल्द खोलेंगे, लेकिन आज दिनांक तक क्या हालत है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि नैतिकता के आधार पर आप वैसा छोड़ दीजिए पार्टी को, लेकिन नैतिकता के आधार पर आने जाने वालों का, ये कॉलोनी पीछे हरिओम कॉलोनी है, शियाराम नगर है, शहीद भगत सिंह मार्ग है, सोमलपुरा, फकीरा खेड़ा है, चंदावादे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी, सब लोगों का आम रास्ता है। हजारों नहीं लाखों लोगों का आवागमन के लिए रोड बनाया है, लेकिन इस रोड से निकलना भी दुश्वार है। सड़क से निकलना भी दुश्वार है, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से खुले में कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, इस वार्ड का आकलन और इस वार्ड की ये तस्वीर इसलिए भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि यहाँ से जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और डिप्टी मेयर है। मतलब मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर की भी एक जिम्मेदारी अजमेर शहर के तमाम पूरे 60 वार्डों की हो जाती है। जैसा बताया यहाँ पे जा रहा है, सागर बता रहे हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन लाखों रुपए कहाँ खर्च हुए वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। वार्ड के अंदर और भी समस्याएँ हैं, और भी वार्डवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्ड में और कौन सी समस्याएँ आज भी बनी हुई है। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9929477333। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount.
चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। वार्ड नंबर 23 में घूमते घूमते एक बाबूजी हमको मिले हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? राधेश्याम चावला। अच्छा, एक बात बताइए, ये संपत सांखला जी का वार्ड जो है, 4.5 साल के कार्यकाल में इस वार्ड की कुछ तस्वीर बदली है क्या या नहीं बदली? थोड़ी बहुत बदली, बाकी तो जैसे पानी की लाइन के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुई, पानी वो का वही आ रहा अभी तक। अच्छा, पूरी मतलब अरियोम और ये सियाराम नगर दोनों ही परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। तो अच्छा, वो लाइन के लिए बोला मैं कि भाई 8 इंच की लाइन डलवा दो तो सबके घरों में पानी सही ढंग से तो आए, वो काम भी नहीं हो पा रहा। नाली और सफाई का क्या हाल है वार्ड में? नाली तो कोई बनी हुई है, कोई नहीं बनी हुई है, और सफाई तो ऐसे ही चल रही है। ऐसे ही चल रहा है? हाँ। तरीके से नहीं हो रही? तरीके से मतलब 10-15 दिन में एक बार आके सफाई कर जाते। अच्छा, 10-15 दिन में एक बार आ रहे हैं? हाँ। रोज नहीं आते? रोज नहीं आते। कचरा उठाने वाले तो आते होंगे? वो तो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। अच्छा, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं? हाँ। और क्या समस्या है? CCTV कैमरा है वार्ड में? नहीं है CCTV। होना चाहिए? होना तो चाहिए। चलिए, CCTV से तो काफ़ी सिक्योरिटी मिल जाती है पब्लिक को, है ना, तो वो होना चाहिए, वो होना ज़रूरी है। CCTV कैमरा वार्ड में होना चाहिए। और ये देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ मैं। स्मार्ट सिटी के तहत जो पोल पूरे शहर में खड़े करे जा रहे थे CCTV कैमरे के लिए, वो पोल तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ऊपर CCTV कैमरा नहीं है। कब लगेगा इसका इंतज़ार वार्ड वासियों को है। चलिए कुछ और वार्ड वासियों से मिलवाते हैं। अच्छा, वार्ड में आपकी स्थिति कैसी है सफाई की, पानी की? वो तो सर आप देख ही रहे हो, पानी भी आता ही कहाँ है, पानी पीने का मिल जाए वही बहुत है। इसकी कंप्लेंट मैंने जयपुर भी करी थी, कुछ हुआ ही नहीं उसका तो अभी तक तो। अच्छा, ये संपत नागला का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वो कार्यकाल ठीक रहा, मतलब इसको ज़्यादा बढ़िया भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा कम भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक रहा। और क्या काम होनी चाहिए वार्ड में? वार्ड में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था थोड़ी सही हो। CCTV कैमरा भी जरूरी है आज के समय को देखते हुए। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है वार्ड में? वार्ड पे ट्रांसपोर्टेशन ठीक ज़्यादा है काफ़ी यहाँ पे तो। बाकी इसके लिए भी कई बार उन्होंने कहा था इसके भाई, ये यहाँ पे कोई पाइप वगैरह कुछ लग जाए तो ज़्यादा हैवी गाड़ियाँ नहीं आवे। अच्छा, वार्ड में हैवी गाड़ियाँ आ रही हैं आपको? हाँ। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114482312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9992947733।